गोमेक से के प्यार में आने वाले एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पर गाइस आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कैसे मैं जिस लड़के के साथ में सभी की शादी हो रही थी उसके साथ आ जाने वाले सबके सामने। और यहाँ पर पता लग जाता है कि लड़के के अंदर काफ़ी सारी गंदी आदतें करता है, वो शराब वगैरह पीता है, ये सब पता लोग मतलब ईशा मैडम को ये पहले से पता था। उस मैडम सभी घर वालों के सामने ये सारा प्रूफ रखती हैं। और पर्सनली यहाँ पर भवानी काकू और निनाद को तो पता है, निनाद को और उस मैडम को हमें पता है, लेकिन यहाँ पर जो काकू को बताने की बात करते हैं निनाद, यहाँ पर कहते हैं अभी जाता हूँ मैं बैनी के वास्ट में और कह दूंगा ये सब लड़का गंदी आदतें करता है। फिर भी यहाँ पर सभी कहती है, उनको रोक लेती है, कहती देखो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, तो गई इसमें वो लोग नहीं जाने वाला है। तो क्या लगता है गाइस, क्या कुछ नया होगा अपकमिंग ट्रैक में, कमेंट करके बताना। मतलब यहाँ पर सभी काफ़ी परेशान है, सभी तो चाहती है कि मतलब मेरी शादी ना हो, फिर भी भवानी काकू मतलब इतना एक्साइटेड हो गए हैं कि हाँ मैंने बहुत बड़ी मतलब क्या ही तीर मार दिया हो, ऐसे ही रिएक्ट कर रही हैं गाइस वो। लेकिन उनको पता नहीं कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, मतलब लड़का सही में शकल से ही ख़राब लगता है। तो फाइनली लास्ट में ऐसा होगा जब भवानी काकू को भी पता लग जाएगा हाँ लड़का काफ़ी सारी मतलब उसकी गंदी जा देते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं उसको पता लग जाएगा तो वो बस साफ मना कर देंगे, चलो हम इस शादी को यहीं पे कैंसिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि सभी शादी से भाग जाएगी, तो हाँ ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, सभी को भागना ही पड़ेगा, जब भवानी काकू नहीं मानेंगी तो सभी शादी को छोड़कर भाग जाएगी।